संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम यह प्रणेता पूज्य गुरुवर्षी प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अष्टम अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/sutrapath2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरल सरस वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विदयः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्द्वी चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च सदशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्वयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा नारक तैरियज्ञोन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस्वभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशह कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिस्रणा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम् कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर् मोहनीयस्य विंशतिर् नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतो न्यत् पापम् इति तत्वार सूत्रे अष्टमोऽध्यायः। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
तत्व सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से जो बंद तत्व का वर्णन चल रहा था वह कल तक पूर्ण हो चुका था। प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद, इन चारों बंदों का स्वरूप बताया गया है। आगे कुछ यहाँ पर बंद के ही प्रकरण में पुण्य और पाप प्रकृतियों का भी व्याख्यान करना इष्ट है, क्योंकि जब आश्रव तत्व का वर्णन होता है तो उसी के साथ में आश्रव और बंध भी आ जाता है। आश्रव के साथ साथ बंध तत्व का भी वर्णन होता है, और जब इस तरह से सात तत्वों का वर्णन किया जाता है, आश्रव, बंध आदि, तो उसमें नौ पदार्थों का वर्णन भी कहीं कहीं किया जाता है। तो आश्रव और बंध के साथ ही पुण्य और पाप, ये दो चीज़ें जुड़ी रहती हैं, और जब इन पुण्य और पाप को भी सात तत्वों में जोड़ लिया जाता है तो वह नौ प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं। शायद इसी अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुण्य और पाप का भी अलग से वर्णन किया जा रहा है। और दूसरा अभिप्राय ये भी है कि जो भी हमने अभी तक कर्म प्रकृतियों का वर्णन किया है, मूल प्रकृतियों का, उत्तर प्रकृतियों का, उनमें कौन सी प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं और कौन सी प्रकृतियाँ पाप रूप हैं, यह बताना भी जरूरी है, अन्यथा सभी कर्म एक जैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि लोग कहते ही रहते हैं आठों ही कर्म दुखदाई हैं, और आठों ही कर्म जब दुखदाई हैं तो आठों ही कर्म पाप कर्म हो गए। तो सभी कर्म पाप कर्म नहीं होते, कुछ कर्म सुखदाई भी होते हैं, कुछ पुण्य कर्म भी होते हैं। उसी को बताने के लिए, ये विभाजन करने के लिए ये आगे के दो सूत्र हैं। तो हम दोनों ही तरीके से इस व्याख्यान को समझ सकते हैं। एक तो पुण्य और पाप का व्याख्यान करने से पुण्य और पाप पदार्थ का भी व्याख्यान हो जाता है, और पुण्य और पाप जो हैं वस्तुतः वो आश्रव और बंध में ही शामिल होते हैं, क्योंकि आश्रव और बंध यही दो प्रकार के चलते हैं, पुण्य रूप और पाप रूप। और दूसरा जो है वो कि जो कर्म प्रकृतियां बताई गई हैं उनमें यह बताना कि कौन सी कर्म प्रकृतियां पुण्य रूप हैं और कौन सी पाप रूप हैं, ऐसे दोनों अभिप्रायों को मन में धारण करके भी इन सूत्रों की रचना हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूत्र नंबर 25, सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, यह सूत्र बताया गया है, जिसमें पुण्यम यानी ये सब कर्म जो हैं ये क्या हैं, पुण्य कर्म हैं ये सब, है ना। तो हम ये विभाजन इसमें करेंगे कि कौन कौन से पुण्य कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, मंगल रूप हैं, जीव के लिए इष्ट हैं और जीव के लिए सुख देने वाले हैं, ऐसे कर्मों को क्या बोलते हैं, पुण्य कर्म, अथवा जो हमारी आत्मा के लिए भी हितकारी हों उनको भी पुण्य कर्म कहा जाता है। क्योंकि जो मोक्ष आदि पुरुषार्थ करने में कर्म सहायक बनते हैं वो भी पुण्य कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। अगर मनुष्य आयु ना हो, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय ना हो, तो जीव कभी भी मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इस अपेक्षा से भी इन पुण्य कर्मों को आत्म उन्नति में सहायक माना जाता है। तो यहाँ पर सद्वेद्य, सद्वेद्य का मतलब हुआ साता वेदनीय, है ना। वेदनी कर्म के दो वेद थे, उनमें साता वेदनी तो पुण्य रूप है और बाकी असाता जो है वो पाप रूप है। शुभ आयुर, शुभ आयु में एक नरक आयु को छोड़ करके बाकी की तीनों आयु शुभ मानी जाती हैं। सुन रहे हैं, मनुष्य आयु भी शुभ है, देव आयु भी शुभ है और त्रियंच आयु भी शुभ है। त्रियंच आयु को भी शुभ माना जाता है। एक विशेष बात ये ध्यान में रखना है कि आयु में तो त्रियंच आयु शुभ है,
लेकिन गति की अपेक्षा से त्रियंश गति को अशुभ माना जाता है, है ना। आयु तो त्रियंश आयु शुभ है, लेकिन जो गति है त्रियंश गति नाम कर्म, ये जो नाम कर्म की प्रकृति है, यद्यपि आयु और गति एक साथ रहते हैं, लेकिन गति को अशुभ कहा गया है। उसका भी कारण ऐसा समझना कि त्रियंश गति का बंद होना या त्रियंश गति को प्राप्त करना ये तो अशुभ है, क्योंकि यह लोक में अच्छा नहीं माना जाता त्रियंश गति, है ना। अनेक तरह के पाप के फल से ही प्राप्त होती है और पाप ही उसमें किए जाते हैं। लेकिन आयु इसलिए शुभ कही जाती है कि कोई भी त्रियंश होता है वह उस त्रियंश आयु को प्राप्त करने के बाद उस आयु का विनाश नहीं चाहता। क्या सुना? उस आयु को घात करना नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि कोई मुझे त्रियंश इस आयु का विनाश कर दे या त्रियंश गति से मेरा मरण कर दे ताकि मैं इस कष्ट से बच जाऊं, इस दुख से मैं छूट जाऊं, ऐसा कोई त्रियंश नहीं चाहता। तो वह जिस शरीर को प्राप्त कर लेता है उस शरीर के बंधन को बताने वाली जो त्रियंश आयु है वह उसके लिए इष्ट हो जाती है। इसलिए वह त्रियंश गति में भी जिस भी गति में जिस भी पर्याय में जाता है उसी पर्याय में वह अपने को सुखी मानता है। इस कारण से त्रियंश आयु को शुभ कहा गया है, है ना। तो तीन आयु शुभ हैं। फिर इसमें नाम कर्म, ये भी कुछ नाम कर्म की प्रकृतियां शुभ होती हैं, है ना। 37 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की जो कैसी हैं, शुभ होती हैं। उनको अभी गिनने की कोशिश करेंगे। और गोत्र कर्म में भी उच्च गोत्र है जो ये शुभ होता है। तो इस तरह से सातावेदनी की 1, शुभ आयु 3, नाम कर्म की 37 प्रकृतियां और गोत्र कर्म की 1, ऐसे सब मिलाएंगे तो बन जाती हैं 42। 42 प्रकृतियां, 42 जो है ये पुण्य कर्म है। क्या है ये? पुण्य कर्म। अब इन्हीं पुण्य कर्मों को हम समझने के लिए जो सूत्र नंबर, पहले जो एक बड़ा सूत्र आया था ना नाम कर्म का, कौन से नंबर का सूत्र था? 11। 11 नंबर का जो सूत्र था उस सूत्र को आप दृष्टि में रखें तो उसके माध्यम से आपको नाम कर्म की जो पुण्य रूप 37 प्रकृतियां हैं उनका ज्ञान कराया जा सकता है। सबसे पहले गति। गति में 2 गतियां है ना, ये शुभ हैं, मनुष्य गति और देव गति। जाति 5 प्रकार की होती हैं, उनमें केवल एक पंचेंद्रीय जाति ही शुभ होती है, ठीक। शरीर हैं, ये 5ों ही शरीर शुभ माने गए हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं ये। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, इन सभी को पुण्य प्रकृति कहा गया है। अंगोपांग 3ों, जो औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग, ये 3 अंगोपांग ही होते हैं और ये 3ों ही शुभ हैं। इसके साथ साथ उसमें निर्माण नाम कर्म आगे आता है, ये भी शुभ है। बंधन और संघात की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती है। आगे संस्थान, क्योंकि इनका समावेश शरीर में ही हो जाता है। संस्थान में 6 प्रकार के संस्थान बताए थे, उनमें जो पहला है समचतुरस संस्थान वो शुभ है, है ना, गिनते रहे ना। सेनन 6 प्रकार के होते हैं, उनमें पहला सेनन वज्रवृषभ नारद सेनन, एक सेनन शुभ है। इसी तरीके से एक स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इनकी 1-1 प्रकृतियां, इनको भी जोड़ना है ना। अनुपूर्वी, ये भी 2 अनुपूर्वी लेना है, क्योंकि गति 2 है, मनुष्य गति और देव गति, तो अनुपूर्वी भी मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी ये शुभ हैं। इसके बाद में अगुरु लघु, ये शुभ मानी जाती है प्रकृति, है ना। उपघात को छोड़ करके परघात को शुभ कहा गया है, है ना, उपघात को पाप प्रकृति में गिना जाएगा। आतप शुभ है, उद्योत भी शुभ है, उच्छ्वास भी शुभ है। व्यायोगति 2 प्रकार की बताई थी, उनमें से एक प्रशस्त व्यायोगति शुभ है। प्रत्येक शरीर शुभ है,
है ना, त्रस ये शुभ प्रकृति है, सुभग ये भी शुभ है, सुस्वर ये भी शुभ है, शुभ ये भी शुभ है, और सूक्ष्म का उल्टा बादर ये शुभ में आएगी, पर्याप्ति ये भी शुभ है, स्थिर ये भी शुभ है, आदेय भी शुभ है, यश कीर्ति भी शुभ है और तीर्थंकर भी शुभ है। ये सब प्रकृतियाँ कितनी हो गई, 37 प्रकृतियाँ हो जाती हैं, 37। ये सभी क्या हैं, पुण्य प्रकृतियाँ हैं, ये तो आप समझ ही रहे हैं ना, जो सबके लिए उपयुक्त हैं, उचित हैं। और इन पुण्य प्रकृतियों में अगर आपको कहीं शंका होगी तो ऐसा हो सकता है कि आप सोचें पांचों शरीरों को शुभ क्यों कह दिया, अवतारिक शरीर तो शुभ है ही क्योंकि उसके माध्यम से तो सब कुछ पुरुषार्थ होते ही हैं, वैक्रियक शरीर भी शुभ ही होता है जो देवों का होता है, आहारक शरीर तो शुभ होता ही है, अब ये तेजस और कार्मण शरीर कैसे शुभ हो गए। तो इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि तेजस शरीर में भी शुभ बना रहता है, क्योंकि शुभ तेजस भी होता है शरीर और अशुभ तेजस भी होता है, समुद्घात की अपेक्षा से देखें, है ना। और अगर हम केवल अनिसरणात्मक शरीर की अपेक्षा से देखें जो अपने शरीर को कांति देता है, तो जो औदारिक शरीर के साथ तेजस जुड़ा रहेगा तो उसके साथ जुड़ने से वो भी शुभ कहलाएगा। जो औदारिक व्यक्रियक शरीर के लिए काम आ रहा है, कांति दे रहा है, तो वह शरीर तेजस शरीर उस अपेक्षा से भी शुभ हो गया। और कार्मण शरीर भी, चूंकि ये कर्म अपने आप में शुभ हैं, तो कुछ कर्म प्रकृतियाँ शुभ हो गईं, जिनके माध्यम से आत्मा में शुभ होता है, मंगल होता है, तो वह कार्मण शरीर भी शुभ होता है। तो इस तरह से हम इसको शुभ प्रकृतियों में इसलिए लिया गया क्योंकि कार्मण शरीर भी जो है इन सब कर्मों का जो हमें ज्ञान हो रहा है, या इन सब कर्मों का अगर हम क्षय भी करेंगे तो वह कर्म के बिना तो कोई भी चीज़ शुरू नहीं होती है। शरीर भी पांचों बनेंगे तो किससे बनेंगे, कार्मण शरीर से बनेंगे, है ना। कार्मण शरीर बीजभूत है, तो इसलिए जो है वह भी औदारिक शरीर का कार्य उसी के माध्यम से होता है, तो वह भी जो है शुभ में लेना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। और निर्माण तो शुभ है ही है, है ना, क्योंकि जब तक शरीर का निर्माण नहीं होगा तो कुछ भी काम करने का नहीं होगा। तो इसलिए जो कर्म मोक्ष आदि पुरुषार्थ, धर्म आदि पुरुषार्थ करने में काम आते हैं या जीव को सुख देते हैं, वो सभी कर्म क्या कहलाते हैं, शुभ कहलाते हैं, पुण्य कहलाते हैं, है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार कर्म ऐसे हैं जो पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं, है ना। और इन स्पर्श आदि की सभी उत्तर जो प्रकृतियाँ उन सबको मिलाने से 20 भेद बनते हैं। स्पर्श के 8 भेद होते हैं, रस के 5 होते हैं, 8 और 5 13, गंध 2 15 और 5 ही प्रकार के वर्ण होते हैं। तो ऐसे 20 प्रकृतियाँ ये शुभ भी गिनी जाती हैं, अशुभ भी गिनी जाती हैं। यहाँ जो ये आपको वर्णन बताया है ये अभेद विवक्षा से बताया जा रहा है, माने अलग अलग भेद करके नहीं बताया जा रहा है, अभेद अपेक्षा से बताया जा रहा है। अनुपूर्वी तो शुभ है ही दोनों, अगुर लघु, अब ये उपघात और परघात में आपको पहले ही बताया था कि उपघात तो अशुभ प्रकृति होती है और परघात शुभ होती है। आतप और उद्योत को भी यहाँ पर शुभ प्रकृति में लिया है क्योंकि इसके माध्यम से भी लोक में प्रकाश होता है, प्रताप होता है, दिन और रात का विभाजन होता है, इसलिए ये भी पुण्य प्रकृति में लिया गया है ना। इनका थोड़ा सा विवेचन इस रूप में भी जानने योग्य है कि चंद्र विमानों में, सूर्य विमानों में जो एक इंद्री भी जन्म ले रहे हैं, तो एक इंद्री पर्याय, एक इंद्री जाति तो अपने आप में अशुभ प्रकृति है, लेकिन उनका जो आतप नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म से जो वहाँ पर जन्म हो रहा है, तो वह आतप और उद्योत ये उनका पुण्य कर्म है। इसके बाद में जैसे शरीर है तो ये पुद्गल विपाकी में जाएगा, अंगोपांग है, निर्माण है, बंधन है ना, संघात है, ये सब क्या हो गए, ये सब पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ हैं। एक बार आप इनको समझ लें, मतलब इनका विपाक शरीर में होता है मुख्य रूप से, फल इनको डायरेक्ट इन कर्मों का फल किसमें मिलता है, शरीर में, क्योंकि शरीर बन रहा है, अंगोपांग शरीर में बन रहे हैं, निर्माण शरीर का हो रहा है, बंधन संघात सब शरीर में काम कर रहा है, तो ये फल किसको मिल रहा है इन कर्मों का, शरीर को। ये बात अलग है कि जीव इसके फल का भोगता है, लेकिन वो बाद में, जीव इसका डायरेक्ट स्वामी नहीं है, इसका फल जो मिल रहा है, कर्म अपना जो कार्य कर रहा है, कर्म अपनी जो रचना दे रहा है या कर्म अपना जो फल दे रहा है, वो किसको दे रहा है, वो शरीर को दे रहा है। तो ये पुद्गल को देने के कारण से उसको पुद्गल विपाकी कहा गया।
ऐसे ही संस्थान हैं, तो ये छह संस्थान क्या हैं, ये पुद्गल विपाकी हैं, है ना। ये सेहनन है, जो छह सेहनन हैं ये सब क्या हैं, ये भी पुद्गल विपाकी हैं, है ना। इनकी भी पुद्गल में ही रचना होगी। यद्यपि सेहनन का अनुभव जीव करता है, लेकिन रचना जो हो रही है या फल जो कर्म का मिल रहा है वो शरीर पुद्गल को मिल रहा है, ऐसा समझ के चलना। पुद्गल विपाकी, ऐसे एक अंतर इसमें समझा जा सकता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज के कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बंध तत्व के प्रकरण में हमने नौ पदार्थ और कर्म प्रकृतियों का रूप जानने के क्रम में पुण्य और पाप प्रकृतियों को जाना। सात तत्वों में आश्रव और बंध का वर्णन साथ में होता है। ये पुण्य और पाप दोनों रूप होते हैं। सात तत्वों में पुण्य पाप जोड़कर नौ पदार्थ मिलते हैं। सभी कर्म एक जैसे, सभी पाप रूप नहीं होते, क्योंकि पाप तो दुख रूप ही होता है, किंतु कुछ पुण्य कर्म सुखदायी भी होते हैं। सूत्र 25 में हमने 42 पुण्य कर्म प्रकृतियां जानी। सद्वेद यानी भूमि की एक, शुभायुर अर्थात मनुष्य देव और तिर्यंच शुभायु की तीन, नामकर्म की 37 उच्च गोत्र की एक, पुण्य कर्म मोक्ष आदि पुरुषार्थ करने में सहायक होने से हमारी आत्मा के लिए हितकारी होते हैं। जैसे मनुष्य आयु और गति के बिना हम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये हमें शुभ मंगल रूप इष्ट और सुख देने वाले होते हैं। असाता वेदनीय और नरक आयु पाप रूप होती है। आयु और गति एक साथ रहते हुए भी तिर्यंच आयु शुभ पर गति अशुभ है। तिर्यंच गति पाप से मिलती है और इसमें पाप ही होते हैं। लोक में यह अच्छी नहीं मानी जाती, पर शरीर के बंधन को बताने वाली आयु तिर्यंच के लिए इष्ट होती है। वह उसे पर्याय में सुख मानकर कष्ट से बचने के लिए मरना नहीं चाहता। गोत्र में उच्च गोत्र शुभ होता है। सूत्र 11 के माध्यम से हमने नाम कर्म की 37 पुण्य प्रकृतियां जानी। चार गतियों में दो मनुष्य और देव गति, पांच जातियों में एक पंचेंद्रिय जाति, औदारिक आदि पांचों शरीर, औदारिक वैक्रियक और आहारक तीनों शरीर अंगोपांग, पुरुषार्थ करने के लिए शरीर निर्माण हेतु निर्माण नाम कर्म, छह संस्थानों में पहला समचतुरस संस्थान, छह सहननों में वृक्ष ऋषभ नाराज सहनन, अभेद विवक्षा से एक एक स्पर्श रस गंध वर्ण, चार गत्यानुपूर्वी में दो शुभ गतियों के मनुष्य और देव गत्यानुपूर्वी, अगरु लघु नामकर्म परघात नामकर्म, चंद्र और सूर्य विमानों में जन्मे एक इंद्रिय जीवों के आताप और उद्योत नामकर्म, उच्छ्वास नामकर्म, दो विहायो गति में एक प्रशस्त विहायो गति, प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वर शुभ वादर पर्याप्ति स्थिर आदे यश कीर्ति और तीर्थंकर नामकर्म। हमने जाना कि भेद दृष्टि से आठ स्पर्श पांच रस दो गंध और पांच वर्ण शुभ अशुभ दोनों हैं। उपघात पाप प्रकृति है। चंद्र और सूर्य विमानों में जन्मे एक इंद्रिय जीवों की पर्याय और जाति तो अशुभ है, लेकिन लोक में प्रकाश और दिन रात का विभाजन करने के कारण आताप और उद्योत नाम कर्म पुण्य है। बंधन और संघात शरीरों में ही आ जाते हैं। सभी पुरुषार्थों का कारण औदारिक शरीर शुभ है। देवों का वैक्रियक शरीर और अहारक शरीर शुभ है। समुद्घात और अनियासरणात्मक शरीर की अपेक्षा औदारिक और वैक्रियक शरीर के साथ जुड़ने से शरीर को कांति देने वाला तेजस शरीर शुभ है। सामान्यतः शुभ तेजस और अशुभ तेजस दोनों शरीर होते हैं। आत्मा के उपकारी औदारिक शरीर को चलाने वाला पांचों शरीरों का बीजभूत कार्मण शरीर शुभ है। कुछ कर्म प्रकृतियां आत्मा के लिए शुभ मंगल होती है, इस कारण कार्मण शरीर भी शुभ होता है। इसके बिना हमें कर्मों का ज्ञान और क्षय का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। हमने जाना पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का विपाक मुख्यतः शरीर में होता है।
इनमें शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन आदि कर्म आते हैं, जो शरीर में कार्य कर उसकी रचना कर अंगोपांग बना, बंधन और संघात कर अपना डायरेक्ट फल शरीर को देते हैं। जीव शरीर के निर्माण के बाद इनका फल भोगता है, डायरेक्ट स्वामी नहीं होता। सहनन का अनुभव तो जीव करता है, लेकिन इसकी रचना शरीर में होती है और कर्म फल शरीर को मिलता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सी आयु शुभ पर गति अशुभ मानी गई है? मनुष्य, देव, तिर्यंश, नरक। अध्याय 8 की कक्षा 51 के आज के सवाल का सही उत्तर है एक इंद्रिय जीव में। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।